फाइव बार प्रेस करो, उसके बाद ये कर दो जी, 1 2 3 4। और छोटा बच्चा है, मतलब ये छोटा है उसमें ऐसे, अगर कोई बड़ा है उसको तो हम यहाँ भी ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं, फॉल्स रिप्स और उसके नीचे फ्लोटिंग रिप्स, दो इधर, वो हमारे सारे झटके वगैरह सारे वही सेंस करते हैं। तो जब आपने ये देख लिया मिडल ऑफ चेस्ट, वो निकालना है। अब ये देखो, ये दो भागों में बट गई चेस्ट, इधर भी इधर भी। अब मेल के केस में आप इस पार्ट को सीधा मिला दो, ये चेस्ट का मिडल बन गया, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैं पुराना जी की मदद लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पॉइंट बनाया, यहाँ लगाया, ये पसलिया यहाँ, इन हाथों को ऐसे मिला दो, ये आ गया चेस्ट। ये सेंटर आपने ऐसे बनाया, ये बनाने के बाद आपने पहला स्टेप यहाँ फॉलो कर लिया कि मिडल ऑफ चेस्ट, वहाँ पर आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। क्योंकि अगर गलत जगह पर दे दिया, स्प्लेनम टूट के कहीं और चली जाएगी, नीचे जो आपकी फॉल्स रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, अगर वो ब्रेक हो गई तो वो हर्ट में जा सकती है, आदमी मर सकता है, कोई आर्टरी कट सकती है, तो उस केस में वो मर जाएगी। तो हमने मिडल ऑफ चेस्ट में कंप्रेशन डाला, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा मिडल ऑफ चेस्ट। दूसरा, रेट ऑफ कंप्रेशन क्या रहेगा। रेट ऑफ कंप्रेशन की अगर बात करें तो रेट ऑफ कंप्रेशन होता है 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। एक मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हम देंगे, लेकिन 18 सेकंड में 30 कंप्रेशन, और 30 कंप्रेशन देने के बाद दो रेस्क्यू ब्रिज भी उसको हम देंगे, दो रेस्क्यू ब्रिज देंगे, वो भी दे के दिखाएंगे। फिर क्या करना है आपको, फिर करना है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, वो डेप्थ कितनी हो, वो डेप्थ होनी चाहिए 1/3 पार्ट हो एक्सिलरी साइड, इस हिस्से का 1/3 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच 1.5 इंच वो भूल जाओ, कोई आदमी बहुत मोटा भी हो सकता है, वो 1/3 पार्ट ये कंप्रेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ कंप्रेशन, वो रिदमिक होनी चाहिए, यूँ नहीं एक बार तो आपने कंप्रेशन बहुत तेज दे दिया फिर उसके बाद आपने सही से नहीं किया, वो हो गया। वो होने के बाद फिर रिकॉल ऑफ चेस्ट, चेस्ट रिकॉल भी करें। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अब ये सारी फॉलो हो गई। लेकिन एक चीज़ की हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई प्रैक्टिस करता है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको डमी देंगे, ट्रेनिंग सेंटर में बिठाएंगे विद रिगार्ड। लेकिन ये जिंदा आदमी भी कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसका देख लिया सांसें नहीं चली, तो इसके जितना नज़दीक जा सकते हैं उतना नज़दीक चले जाओ। अगर मान लो आपको लगता है कि नीचे हूँ मैं, ये ऊपर है, ठीक नहीं, तो उसके नज़दीक जाके घुटने टेक के कर लो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। अब इस तरीके से क्या है कि उसके जितना नज़दीक जाएंगे, क्यों जाएंगे, अब जैसे मैं दूर से करूँगा, ये प्रेशर यहाँ जाएगा, इस पर जाएगा नहीं, ये 1/3 पार्ट कंप्रेस होगा ही नहीं। तो उसका जितना नज़दीक जाएंगे और आपका एंगल ये अपने हाथों को ऐसे फैला के, ये हील ऑफ पाम आपकी यहाँ टच करेगी, इसका सेंटर है, सेंटर टू सेंटर हम कंप्रेशन डालेंगे, सेंटर टू सेंटर। अब जैसे मान लो आपने नज़दीक गए, हाथों को ऐसे फैला लिया, खींच लो, ये आपकी वी शेप बन जाएगी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेगी, और वो फिर सेंटर पे ऐसे जाएंगे, आपका पोस्चर ये होना चाहिए, ये देखो मेरा पोस्चर ये 90 डिग्री पे आप चले गए, 90 डिग्री पे जाएंगे, तो इससे क्या है, आपके हाथों का नहीं, आपका बॉडी का वजन लगेगा कंधों का। 1 घंटा करना पड़ जाए, 1.5 घंटा करना पड़ जाए, 40 मिनट, थकेंगे नहीं। अब जैसे मान लो कंप्रेशन डाला मैंने, 1 2 3 4 5, देखो अब इसमें क्या है, मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ, डेप्थ भी ठीक है मेरी और स्पीड भी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, 18 हो गए। अब 18 सेकंड में हमें 30 बार करना है, सपोज कीजिए मैंने 30 कर, तो उसके बाद क्या करना है, हमें रेस्क्यू ब्रिज देना, और नज़रें हमेशा इसकी तरफ रहेंगी, अगर इसको उल्टी आ जाए, ब्लड आ जाए, गर्दन टेढ़ी का तो एक साइड निकल जाएगा। अब जैसे रेस्क्यू ब्रिज देना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे कोई भी जिसको साफ किया इससे नहीं, उसके अंदर क्या है कि कोई कपड़ा ले लो आप, ऐसा ले लो जैसे चुन्नी टाइप, उसके अंदर से हवा जानी चाहिए। अब उसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से नाक को ऐसे सील कर लेंगे, सील करके और फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने जैसे मान लो कपड़ा रख लिया, कपड़ा रख के जो नॉर्मल हम ब्रीथ लेते हैं वो ऐसे किया, अपने होठों को इसके ऊपर सील कर लिया, मैं बिल्कुल साफ करके जाऊँगा, दोनों सांसों में 5 सेकंड का गैप रहना चाहिए, फिर 30 कंप्रेशन ले लो। ये हो
ये आपको इसी तरीके से करने थे, पांच साइकिल करने।